और महादेव श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इनसाइड व्यू आप श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर यानी कि इस कॉरिडोर में अंदर के क्या कुछ नज़ारे हैं। लेट्स गो। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये जो गेट है इसको गंगा द्वार बोला जाता है और यहाँ से आप एंट्री करते हैं। सामने गंगा माँ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, जून का महीना है, इसलिए गंगा का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम हो चुका है, इसलिए आपको जल थोड़ा कम ही दिखेगा। और यहाँ पर देखिए एक पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, पी लो, यहाँ पर ब्रांडिंग की गई, इसका शुद्ध पानी लिखा हुआ है। सामने एक मंदिर आप देख रहे होंगे बन रहा है। और यहाँ इस कॉरिडोर में बहुत से कैमरे लगाए हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। अद्भुत नज़ारे आपके सामने। देखिए ऊपर जाने के लिए एक यहाँ पर सीढ़ी है और बगल में आपने देखा होगा अभी स्वचालित सीढ़ी भी है। तो अगर आप असमर्थ हैं या थके हुए हैं तो स्वचालित सीढ़ी के माध्यम से भी ऊपर जा सकते हैं। देखिए यही वो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं। चूँकि अभी बंद है, कई बार ये बंद भी होती है, जनरली ये चालू ही रहती है। आइए ऊपर चलते हैं सीढ़ी के माध्यम से। हर हर महादेव। बहुत ही अद्भुत ये पावन दरबार। जब भी आप यहाँ पर आते होंगे तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता होगा आपका। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम पूर्वारुखमेव बंधनाय मृत्योर मोक्षीयमामृता। महादेव का ये दरबार श्री काशी विश्वनाथ धाम। अद्भुत ये नज़ारे। हम लोग अभी वहाँ से आ रहे थे, देखिए वो जो मेन गेट है वहाँ से एंट्री करेंगे। और यहाँ पर देखिए सामने मणिकर्णिका घाट है। चलिए अंदर की तरफ और बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के कर्मी लोग आपको देखने को मिलेंगे। सुरक्षा में कहीं कोई कमी ना हो, भारत माता का अद्भुत यहाँ पर दृश्य। पीछे भारत का मैप बना हुआ है और आगे माँ है, हाथ में तिरंगा है, अपने देश की शान भारत माँ। अक्सर ये सेल्फी पॉइंट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर सेल्फी ज़रूर लेते हैं। अगर आप कभी आएँ दर्शन के लिए, देखिए एक छोटा सा बालक किस प्रकार से यहाँ पर सेल्फी अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए उतावला है, ठीक उसी प्रकार से सभी लोग यहाँ पर लेते हैं सेल्फी। और आपकी कीमती सामान जो हैं यहाँ पर लॉकर में, यही लॉकर है देख सकते हैं आप सामने, यहाँ पर रखी जाती है। तो उससे बिल्कुल आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर फ्री में आप अपने सामान को जमा करवाते हैं। कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पैसे चार्ज करेंगे। हजारों ऐसे लॉकर बनाए गए हैं। अगर आप कहीं पे कुछ भी भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी हैं उनसे कृपा करके मदद लें, लोकल लोगों से पूछने से बचें, क्योंकि वो कई बार आपको भरमा देते हैं, ठगने की कोशिश करते हैं। ये एक बेहद खूबसूरत मंदिर, ये भी महादेव का ही है, हालांकि ये प्रमुख मंदिर नहीं है विश्वनाथ जी का।
ये जो बड़ा सा गेट दिख रहा है इसके अंदर श्री काशी विश्वनाथ जी का जो प्रमुख गर्भगृह है वो है श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं देवी अहिल्याबाई का ये स्वरूप। यहाँ भी लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, भारत में तमाम मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। लोग इस खुशी के माहौल को अपने कैमरे में, अपने स्मार्टफोन में कैद करते हुए, ताकि कभी भी वो जब याद करें तो उस तस्वीर को देख सकें। आइए चलते हैं थोड़े से और करीब और महादेव के उस पवित्र मंदिर का दर्शन करते हैं। यहाँ से आपका मोबाइल, पर्स और सारी चीज़ें रख दिया जाता है। और अब देखिए बिल्कुल सामने, आप देखिए इस गेट के ठीक सामने गोल्डन कलर का आपको टेंपल दिखाई दे रहा होगा, यही महादेव का अद्भुत मंदिर है, श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अद्भुत ये नज़ारा। और अभी भी आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक बार डिसाइड ज़रूर कीजिए कि आप ज़रूर यहां पर दर्शन करने आएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप यहां पर आने के लिए और महादेव का दर्शन करने के लिए प्रेरित हों और आपको एक गाइडेंस मिल सके कि किस प्रकार से आप यहां आ सकते हैं और अंदर के क्या कुछ नज़ारे हैं, ताकि आप मिस ना करें कोई भी चीज़। हालांकि कॉरिडोर में अंदर आने के लिए लगभग चार प्रमुख द्वार हैं जो कि चारों दिशाओं में हैं, तो आप किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। गंगा जी की तरफ से स्नान ध्यान करके आएंगे तो यही गेट मिलेगा आपको, जिस गेट से हम आपको अंदर लेकर के आए हैं। हर हर महादेव। आप देख रहे होंगे कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने, खास करके चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद से लोग ज़्यादातर आते हैं यहाँ पर, जो साउथ इंडिया के लोग हैं। और इस बार तो हमें एक झुंड ऐसा भी मिला जो राजस्थान और हरियाणा से यहाँ पर आए हुए थे लोग, तो बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और आप अगर उत्तर प्रदेश बिहार से हैं तो बिल्कुल करीब में हैं महादेव के, तो आप ज़रूर आएं और दर्शन करें यहाँ पर। ये नीम का पेड़ लगाया हुआ है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी छाया मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कि पंखे इसमें चल रहे हैं, ये वेटिंग हॉल है, ये भारत माता मंदिर के बगल में ही है वेटिंग हॉल। यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं कुछ कारणवश, तो वो यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, पंखे चल रहे हैं बिल्कुल आराम से। यहाँ पर आएँ तो आप पूरा दिन भर का समय लेके आएँ, भरपूर घूमें, क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं। और यहाँ भारत माता के सामने फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं। अद्भुत ये दृश्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का। अच्छा, वहाँ से साइड आएंगे तो इधर बहुत कम ही लोग आते हैं। ये देखिए पहले के जो मकान हैं वो रंग दिए गए हैं, इन मकान को तोड़ करके इस प्रकार से कॉरिडोर बनाया गया है। पहले बहुत ही सकरी गलियां हुआ करती थी, इतनी पतली गलियां कि मुश्किल से एक आदमी जा सकता था, अगर दो आदमी साथ में आ गए तो मुश्किल हो जाती थी, इतनी पतली पतली गलियों से होकर के महादेव के दर्शन करने के लिए जाना होता था। और ये देखिए थोड़ा सा हम पीछे की साइड में आ गए हैं,
यहाँ पर आप देखेंगे तो एक गणेश जी का मूर्ति है यहाँ पर। ऐसे तो देखने में आपको लगेगा कि हनुमान जी हैं झटके में, क्योंकि सिंदूर की कलर के हैं यहाँ पर, लेकिन गणपति जी का ये छोटा सा प्यारा सा मंदिर है कह सकते हैं। और अभी फेज़ टू का काम हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। इस चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्री काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर का कोई भी अपडेट होगा, कोई भी नई वीडियो होगी तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। हर हर महादेव एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।